वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी इज लव फिस्टा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे चैनल को अभी 1 मंथ हो गया है सितंबर में, 22 सितंबर को, और ये सिर्फ आप लोगों के वजह से हुआ है। आपने मेरी सारी वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार दिया, कमेंट करे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो अब मैं आपको अपनी वीडियो के बारे में बता रही हूँ कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो काफ़ी अच्छा सा है, इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन जो ब्लॉग है मैं उसको 2 पार्ट में डालूँगी। आज फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। सो आज हम जा रहे हैं कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस करने जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी हैं और बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं एक गाँव को एक्सप्लोर करने। तो चलिए देखते हैं कि जो गाँव की लाइफ है कितनी मुश्किल हो, कैसी होती है, वो लोग कैसे कैसे काम करते हैं अपना। चलिए चल के देखते हैं, आइए। आंटी जो है वो हमारे लिए मतलब चूल्हे को क्या कहते हैं आंटी, इसको इसको मतलब क्या कर रहे हो? हम कर रहे हैं इसके खाना बनाया पहले, फिर इसको साफ करते हैं। अच्छा, मतलब खाने बनाने से पहले इसको साफ किया जाता है? हाँ, फिर दोबारा खाना बनाते हैं तो फिर उसको ऐसे साफ करते हैं। अच्छा, अच्छे से इस पर पोता लगाते हैं हम, फिर इसको ऐसे करके और हम इसे साफ कर देते हैं। ये साफ हो जाता है, फिर सूखता है तो ये बहुत काफ़ी अच्छा लगता है धूम। अभी हमने जब देखा कि आंटी ने चूल्हा साफ़ किया, लेकिन चूल्हा साफ़ करने के बाद कैसे है? मतलब खाना बनता है, तो आंटी से पूछना है कि कैसे खाना बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लकड़ी है, उसके अंदर कोयला है और जो उपला होता है उसको जला के यहाँ का खाना बनता है। तो आइए आंटी से पूछते हैं कि आंटी कैसे खाना बनाती हैं अपना। हम देखो पहले तो इस हम आग जलाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, उपला लगाते हैं। अच्छा, हाँ, फिर हम इसके पास बैठते हैं, आग जलाते हैं, फिर हम ऐसा खाना बनाते हैं। इसमें कुछ डालते होगे ना जलाने के लिए, मतलब तेल वेल? नहीं, मिट्टी का तेल ये ऐसे एक पन्नी रखते हैं, एक माचिस की तिल्ली सा उस आग लगाते हैं, आग लग जाती है। अच्छा, तो अभी इसमें क्या बन रहा है? इसमें उड़द। अच्छा, उड़द की दाल बन रही है। आइए देखते हैं कैसे बन रहा है, देखिए आगे एक लुक लीजिए। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि जहाँ पे हमें ये आंटी का किचन है, तो आंटी से पूछते हैं कि ये बना कैसे है। आंटी ये आपने कैसे बनाया, मतलब ये मजबूत भी है ये काफ़ी? हाँ, हम एक तालाब में जाते हैं। अच्छा। वहाँ पर से मिट्टी लाते हैं, फिर उसका घर ला कर फोड़ते हैं, उसे गारा बनाते हैं अच्छे तरीके से, उसमें भूस मिलाते हैं, थोड़ा गोबर मिलाते हैं, फिर हम ईंट ले कर आते हैं, ईंट ला कर हम उसे चीनते हैं, छीनने के बाद हम उस पर गारा लगाते हैं, फिर हम इसको पक्का कर देते हैं, लहसते हैं इस तरीके से। अच्छा। बढ़िया करके तो ये इस तरीके से हम अपनी किचन बना लेते हैं। अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। हाँ, ये जो आंटी ने बताया सच में काफ़ी मतलब मजबूत भी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। आपने लुक तो ले ही लिया है इसका, काफ़ी अच्छी है। मतलब जैसे आंटी ने बताया है कि वो तालाब जाती हैं, वहाँ से मिट्टी लाती हैं, फिर उसको मतलब फोड़ती हैं, फिर उसमें भूसा मिलाती हैं, गोबर मिलाती हैं, उसको मिला के फिर ईंट लेके आती हैं, ईंट को इधर लगा के फिर उसको मजबूत करती हैं। तो बड़ी मेहनत का काम है ये और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है वैसे। सो चलिए अब कहीं और देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पर।
तो आंटी बता देंगे कैसे चलती है और देखते हैं कि इसमें क्या है। हाँ, यो बिजली से चलती है। हम लोग गांव खेत में से लाते हैं काट के, इसे फिर इसकी कुट्टी कटती है, फिर गायों को खिलाई जाती है। अच्छा, तो इसको चरी कहते हैं। ये खेत से पहले लेते हैं, आंटी जाती हैं जंगल में से काट के लाती हैं, उसके बाद उसको चलाया जाता है, मतलब लाइट से चलाया जाता है बिजली से, उसके बाद उसको काट के फिर ये इस लाइट से चलाती है, आप देख सकते हो। तो ये इतनी छोटी हो जाती है, उसके बाद इसको गाय को देते हैं, फिर गाय खाना खाती है। चलिए हम भी गाय को थोड़ा सा खाना देते हैं, कुछ पुन का काम करते हैं। तो चलिए, तो लेते हैं थोड़ा सा और। आंटी 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 क्या कर रहे हो? गेहूं साफ कर रही। अच्छा, साफ करके इसे पिसवाते हैं, फिर इसका आटा बनता है, आटा बन के रोटी बनती है। अच्छा, तो मतलब ऐसे करके जो गेहूं गेहूं होते हैं वो उसमें रह जाते हैं, जो कूड़ा होता है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद इसको एक कट्टे में करके उसको भर के चक्की पे ले जाते हैं, बस फिर आटा बनता है, फिर रोटी खाते हैं सब। तो लाओ मम्मी ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम कर रही, गिराना दूं सारा, देखते हैं। कोई बात, लाओ मैं एक मुझे दो। ऐसे करते हैं? हाँ। और फिर उछालते हैं? ऐसे? ऐसे ऊपर को। अच्छा। ऐसे? हाँ। अब ये काउडंग है, और इससे मैं भी एक उपला बनाती हूँ जो कि बहुत अच्छा माना जाता है हिंदू कल्चर के हिसाब से। मतलब आप इसको पूजा में यूज़ करते हो, जब भी आपके घर जैसे नवरात्र कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले इसको जलाया जाता है, जैसे उद्यापन होता है। और चूल्हे में भी, गांव में चूल्हे में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, सही मतलब चूल्हा जलाया जाता है जब ये सूख जाता है। तो चलिए मैं भी एक बनाती हूँ, तो कैसे बनता है। तो इसको ऐसे लेना है, फिर फिर क्या करना होता है आंटी? गोल ऐसे गोल करके थपक दो। अच्छा, अच्छा ऐसे गोल गोल करना होता है, जमीन पे ही रख के। देन इसको आपको ऐसे ऐसे करना होता है, फिर हाथ से करो ना, ऐसे दबाओ मत, हल्के हाथ से। अच्छा, इसको हल्के हल्के करना पड़ता है, मैंने गलत कर दिया था, तो आंटी मुझे पीछे से बता रही हैं कि आपको हल्के हल्के करना पड़ता है। आई नो ये अच्छा नहीं बना होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, और ठीक है, मतलब आंटी सूख जाए ना तो मुझे दे देना ही आप। हाँ। पूजा में यूज़ करवाऊँगी मम्मी से। अब आंटी हमसे बताएंगी कि कैसा बना है। आंटी बताना है कैसा बना है। अच्छा बना, ऐसे भी बनता है। अच्छा बनाया मैंने फर्स्ट टाइम भी सबसे। ओ मेरे हाथ। तो चलिए, आपको पता नहीं कैसा लगा होगा लेकिन बहुत मज़ा आया इसको बनाने में। अच्छा नहीं बना मुझसे, बट कोई बात नहीं, मज़ा ले लो, आपको तो मज़ा ही लेना। तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब हम आए हैं छत पर, और छत पर बहुत सारे कबूतर, मतलब मशक तली खाना जो है ना उसके बाद मैंने अब इतने सारे कबूतर देखे हैं। और ये उनका थोड़ा सा खाना लेके आई हूँ मैं उनको देने के लिए। ये छोटे छोटे गेहूं के दाने हैं, तो चलिए इनको देखते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। आइए,
तो कबूतरों को खाना खिलाने के बाद अब उन्होंने पानी भी पी लिया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो मैं गांव आई हूँ, मैंने ये बहुत एक चीज़ नोटिस करी है कि जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं, वो मतलब एनिमल से, बर्ड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देखते हो उन्होंने यहाँ पे मतलब उनको डेली खाना देते हैं, उनके लिए पानी रख रखा है। तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर के आगे थोड़ा सा पानी और उनके लिए कुछ अनाज डाल दिया करिए। कम से कम आपका तो कुछ नहीं लेकिन उन लोगों का पेट भर जाएगा। प्लीज़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने हमारे मतलब शहर में इतने नहीं होते हैं कबूतर, मैंने सच में ही देखे हैं, बट मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे देखे हैं और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, मैं भी रखती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं भी रखती हूँ और ये भी रख रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी रखिए। तो जब भी मैं छत पे खड़ी हूँ, एक घर की छत पे, और यहाँ पे जो छत है ना सबके घर की काफ़ी पास पास में ही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जिस गांव में मैं हूँ उसके सामने ही मेरे एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है वो, और यहाँ पे जो सीन है बच्चे पानी भर रहे हैं, यहाँ पे बुग्गी खड़ी है, बहुत अच्छा सीन है। तो आप पूरा देख लीजिए एक बार यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मुझे इस ब्लॉग बनाने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया गांव की कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने में। लिटरली बहुत मेहनत करते हैं गांव के लोग, शहर के भी करते हैं लेकिन गांव के बहुत करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बट इस ब्लॉग के लिए इतना ही, प्लीज़ इसको भी इतना ही लाइक करिएगा जितना मेरी और वीडियोज़ को लाइक किया। और जो मैं अभी खड़ी हूँ वैसे लास्ट में, ये गन्ने का खेत है और गांव आओ खेत में ना हो तो क्या फ़ायदा। देख लीजिए एंड बाय।